हम लोग के पहले घर बना दीजिए, हम लोग उतरा जाएगा। इधर वोट होगा 50,000, 100,000 वोट होगा इधर से, 100,000 वोट होगा। हम लोग के जो घर बना दीजिएगा, हम लोग के जो काम धाम दीजिएगा, हम लोग के जो बाथरूम पैखाना दीजिएगा, हम लोग के वही लोग के होगा। सरकार के कोई भी सरकार रहे, लेकिन जो हमारा लोग के चाहता है वो कर दीजिए, चाहेगा वो हम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड ऑफ इंडिया, मैं आपके साथ आनंद यादव। बंगाल में चुनाव है, क्या माहौल है, सारी बातें जानेंगे यहाँ पर। यहाँ पर जो पीछे पब्लिक मौजूद है, बहुत सारी समस्याएं हैं इन्हें। मैं अपने कैमरामैन से बोलना चाहूँगा, एक बार पीछे समस्याएं दिखाएं। बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, पानी के उधर ड्रम रखे हुए हैं। यहाँ पर जो बस्तियाँ हैं, यहाँ पर जब ऑफ कैमरा इनसे बात हुई थी, इनकी बहुत सारी समस्याएँ थी पानी की, टॉयलेट की, और बहुत सारी समस्याएँ थी। बहुत जगह जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं। युवाओं की बात इसलिए कि किसी भी चुनाव में, किसी भी यहाँ भी चुनाव होता है, युवाओं की जो भूमिका होती है बहुत बढ़ जाती है। युवा वहाँ पर मतदान करते हैं, सरकार बनाते हैं, युवाओं की उम्मीदें भी ज़्यादा होती हैं, सरकार से बात करते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं, समस्याएं भी बताइएगा, और जो वर्तमान सरकार है और जो विपक्षी पार्टी के रूप में जो बीजेपी अपना दावा ठोक रही है, तो किन से उम्मीदें हैं, क्या सब कुछ बताइए, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, फिलहाल यह वेस्ट बंगाल में जो चल रहा है अभी का, वेस्ट बंगाल में जो यहाँ का माहौल चल रहा है अभी, जो बहुत गर्म है, काहे जो विपक्ष पार्टी है जो है, तो उसके और जो TMC है, बीजेपी के जो नेतृत्व में जो है, पहले जो TMC का जितना लोग था वो बीजेपी में चला गया। इसीलिए बहुत कुछ, मतलब जो पॉलिटिशियन, बहुत माहौल गर्म है। लेकिन माहौल गर्म है, क्यों माहौल गर्म है? माहौल इसलिए गर्म है कि वो लोग को फिर से दोबारा वो सरकार बना पाए क्या ना पाए, इसीलिए माहौल बड़ा। लगातार बीजेपी दावे कर रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है बंगाल में तो हम 24 लाख रोजगार देंगे, भरोसा है? भरोसा तो देखिए, जो अभी जो TMC सरकार था, चल रहा था, तो उससे थोड़ा बहुत पानी वानी, रास्ता घाट डेवलप हुआ वेस्ट बंगाल में। लेकिन जो बेरोजगार, मतलब जो युवा है, उनका नौकरी जो अभी तक उतना डेवलप नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, जो TMC यहाँ पर है, अभी सरकार में है, उसका एक नारा है खेला हो, वो बीजेपी का नारा है परिवर्तन होगा, तो आप किसकी तरफ जाएंगे, यहाँ की जनता किसकी तरफ जाएगी, खेला होवो की तरफ या परिवर्तन की तरफ? देखिए, बात ये कि जैसे TMC बोलता है खेला होवे और बीजेपी बोलता है ये हुए हो, तो क्या है बात की, जो भी हो तो इससे क्या है ना कि इंसान और जनता जो है, तो नेता मंत्री सिर्फ आशा ही कर सकता है कि मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, सिर्फ आशा करते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा। तो जो आपकी आशा है उस पर क्या लगता है, TMC खरी उतरेगी, बीजेपी उतरेगी, या कांग्रेस उतरेगी, या अन्य जो CPI है, वामपंथी, कौन उतरेगी? देखिए, माहौल के हिसाब से मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे बीजेपी, मतलब कुछ ऐसा आ सकता है, बीजेपी आ सकता है ऐसा मुझे। बीजेपी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई केंद्र में बैठ के, मोदी जी ने, उज्ज्वला योजना हो गई हो, या घर घर शौचालय की बात हो, यहाँ पर क्या लगता है? ऑफ कैमरा आप बता रहे थे कि यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी की दिक्कतें होती हैं, क्या थोड़ा बताइए? नहीं, यहाँ तो एक्चुअली बात है, क्या जैसे मोदी जी ने कहा कि शौचालय बनाने के और सब बहुत सब योजनाएं बतलाएं, लेकिन वो फैसिलिटी हम लोग को यहाँ पे कुछ आया नहीं अभी तक। अच्छा। अभी तक नहीं आया कुछ, नहीं उज्ज्वला योजना गैस का वो भी नहीं आया, यहाँ पे कुछ नहीं आया। अब ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि वो आ रहा है या उसे कोई रोक रहा है या कोई आने नहीं दे रहा है या नहीं आ रहा है, ये हम लोग कैसे बताएं, हम लोग सिर्फ आशा ही कर सकते हैं। तो बीजेपी कह रही है कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन का मतलब बता दूं, केंद्र में बीजेपी, और कह रही है कि अगर यहाँ भी राज्य में बीजेपी आ जाएगी तो जो डबल इंजन की सरकार होगी वो अच्छा काम करेगी। तो डबल इंजन की सरकार चाहते हैं या TMC फिर से चाहते हैं? देखिए, हम लोग तो बंगाल में रहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो भी सरकार आए, जो भी सरकार, जैसे मतलब वो बेरोजगार को बहुत सारे इंसान है, उन पर कुछ ऐसा अच्छा काम हो जो इंसान चाहत मना कि नहीं मुझे यही सरकार चाहिए। थोड़ा आगे चलते, थोड़ा दिखाइए क्या माहौल है, मैं बोलता हूँ, आइए थोड़ा आगे दिखाइए। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा सारी चीज़ें, यहाँ की क्या दिक्कतें हैं। यहाँ पर देखिए, महिलाएँ, शाम का टाइम है, यहाँ पर देखिए कैसे पानी वगैरह भरा जाता है। एक यहाँ पर नलका है, बाल्टी यहाँ पर पानी भरा जाता है। बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पर, एक नल आ रहा है, सप्लाई का पानी आता है शाम को, बाल्टी पानी भरा जा रहा है। आगे और समस्याएं यहाँ पर दिखाते हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ गली में आते हैं, आइए गली में आते हैं एक बार को, एक एक कुछ लोग आइए गली में, आइए, हाँ आइए गली में आइए, दिखाते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पर, लोगों को परिवर्तन चाहिए या TMC चाहिए, यही सवाल है। अच्छा, हाँ देखिए, ये घर देखिए कितना छोटा घर है, अंदर जाइए थोड़ा घर दिखाइए। अच्छा,
रहता है। कौन कौन रहता है? दो उसको माता पिता रहता है और उसको तीन ठो लड़का है, ये रहता है। हाँ तीन ठो लड़का, ये घर देखिए इतने छोटे घर में तीन लोग रहते हैं। सब लड़का लोग रात में जाता है, बिस्तर लेके कहू कहू जाता है सूतने के लिए। अच्छा घर ये है लेकिन सोना बाहर पड़ जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर टीएमसी की सरकार है और बीजेपी भी यहाँ पर दावे ठोक रही है, कांग्रेस भी है, सीपीआई भी है, तो बीजेपी कह रही है हमें परिवर्तन करेंगे यहाँ पर बंगाल में, टीएमसी कह रही है खेला हो वो, तो यहाँ की जो जनता है वो किसकी तरफ जाएगी, बीजेपी टीएमसी किधर जाएगी? हम लोग के पहले घर बना दीजिए, हम लोग उतरा जाएगा, इधर वोट होगा 50,000 100,000 वोट होगा, इधर से 100,000 वोट होगा। हम लोग के जो घर बना दीजिएगा, हम लोग के जो काम धाम दीजिएगा, हम लोग के जो बाथरूम पैखाना दीजिएगा, हम लोग के वही लोग के होगा। अब तू टीएमसी रहे, मोदी रहे, कोई रहे, भाई जनता सीधा कह रही है जो काम करेगा, जो घर बनाएगा, जो रोजगार देगा, जो पानी की समस्याओं को सही करेगा, हम उसकी तरफ जाएंगे, हमें बीजेपी टीएमसी कांग्रेस सीपीआई कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता, बस हम लोग के घर बना दीजिए, हम लोग मर जाएगा। हम लोग कितना आदमी घायल हुआ है, चट्टान गिर के घायल हुआ है, बहुत आदमी। आइए थोड़ा आगे आइए और दिखाइए, ये आप लोगों को बिल्कुल ग्राउंड जीरो की सच्चाई दिखा रहा हूँ, गलियों में जा करके क्या समस्याएं हैं। देखिए इनको चोट लगी हुई है, चोट मत दिखाइए। हाँ आइए कुछ और दिखाते हैं, और बताइए जल्दी थोड़ा। देखिए कैसे यहाँ पर लाइट नहीं है, ये इतना सा कमरा है, ये यहाँ पर परिवार रह रहा है, दो तीन लोग जो भी है। ये देखिए कैसे ये यहाँ पर, ये देखिए कैसे यहाँ पर, देखिए कैसे यहाँ पर ये टूट के मकान गिर रहा है, छत पे गिर रही है, ग्राउंड जीरो की रियलिटी है। अच्छा सभी लोग पीछे इधर आइए, आप बताइए क्या समस्याएं हैं और क्या चाहते हैं। एक तो दीदी हम लोग के एक ठो कागज बनाया, जे ये कागज एक ठो बनाएगा बैठो तो नर्सिंग होम में थोड़ा हेल्प होगा। हम लोग वो लेके गया, कोई हेल्प नहीं हुआ। देखिए पेशेंट पड़ा हुआ है, बोलता है हम लोग के नर्सिंग होम में कोई फ्री नहीं है, तो काहे हम लोग के इतना खाटनी झूठ मूठ के बनाया दीदी, हम लोग के कोई वैल्यू नहीं करता है। अच्छा। हम लोग आदमी नहीं है, हम लोग कंगाली, बोलता है मास्क पहनो, मास्क कहाँ पहनेगा, हम लोग तो खुद भाईराज है, हम लोग तो खुद भाईराज में रहता है, हम लोग का मास्क पहन के क्या होगा, हम लोग के कुछ नहीं होगा, हम लोग को कोई नहीं देखता है। घर द्वार हम लोग के देखिए, घर के केवल से खाली हम लोग के अनुरोध है, आइए दीदी हो चाहे मोदी हो, हम लोग के घर बना दे, हम लोग के थोड़ा देखे, हम लोग के कॉल देखे, बाथरूम देखे, पायखाना देखे, हम लोग के मीटर नहीं आए। कुछ दिन कुछ आदमी ही आके चोरी करके लाइन जलाया, वो लोग के लाइन काट दिया है, हम लोग के चोरी करके काहे लाइन काट बनाया, हम लोग के पैसा नहीं है मीटर के लिए, तो हम ना चोरी करते हैं, हम लोग के मीटर के पैसा आता है 4,000-5,000, हम लोग के तो काम। अच्छा एक बात बताइए, केंद्र सरकार में बैठी बीजेपी की सरकार घर घर जो वादे करती है शौचालय बनाने की, उज्ज्वला गैस योजना की, गैस वगैरह मिला है, सिलेंडर वगैरह, शौचालय मिला है? कुछ नहीं मिला है हम लोग के, कुछ नहीं मिला है, एक गैस नहीं मिला है। क्या हुआ, कुछ मिला है? नहीं यहाँ कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन लगा था, कुछ मिला राशन वासन? राशन वासन मिला है, खुश था, चार गांव मिला था, दिया था, अभी आधा आधा से चारना कर दिया, एक रुपया से चारना भी कर दिया, मिलता था वही करके खाता है हम लोग। तो क्या चाहिए, मतलब जो परिवर्तन चाहिए या दीदी चाहिए? हमको परिवर्तन चाहिए, चाहे दीदी रहे चाहे मोदी रहे, कोई रहे, हम लोग के जब अच्छा ये परिवर्तन बीजेपी वाला परिवर्तन नहीं है, इनको परिवर्तन मतलब इनके हालातों में परिवर्तन चाहिए, इनको बीजेपी टीएमसी से कुछ लेना देना नहीं जी, हम लोग का हालात परिवर्तन का, हम लोग का अवस्था बहुत परिवर्तन का। एक और नया फॉर्मूला आई, आइए थोड़ा दिखाते हैं और चीज, आइए अभी आते हैं, थोड़ा बाहर बात करते हैं भाई ना। अब यहाँ पर परिवर्तन का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो गया है, बीजेपी का नहीं है, यहाँ पर जो परिवर्तन का फॉर्मूला है। हाँ दिखा दिया हमने, आपका दिखा दिया, समस्याएं आपकी आई, सरकार के कोई भी सरकार रहे लेकिन जो हमारा लोग के चाहता है वो कर दीजिए, और जो चाहेगा वो हम करेंगे। 150 करोड़ वोट मिलेगा, वोट या जितना आदमी है, एक घर में हम लोग के एक घर में एक आदमी रहना चाहे, हमारे एक घर में 5 लड़का और दोनों आदमी हस्बैंड वाइफ रहते हैं, उसको बाल बच्चा रहते हैं, 5 लड़का उसको बाल बच्चा एक ठो घर में रहता है, और उसको चट्टान गिरता है, रात में सूतता है, सोचता है आई बाहर रात में हम भोर में खत्म हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बहुत सारी समस्याएँ हैं, यहाँ पर ये इंटाली विधानसभा लगता है, हम लोग आए थे यहाँ पर कवर करने, बंगाल में है अभी, बंगाल चुनाव चल रहा है, बिल्कुल यहाँ पर ग्राउंड जीरो की सच्चाई दिखाई, कैसे लोग यहाँ पर कमरे छोटे हैं उसमें रहते हैं, पानी की दिक्कतें हैं, शौचालय की दिक्कतें हैं, सवाल भी उठाए इन्होंने
कि हमें उज्ज्वला गैस योजना नहीं मिली है, शौचालय की सुविधा नहीं मिली है। इन्होंने कहा हमें बीजेपी टीएमसी किसी से कुछ लेना देना नहीं है, जो हमारा परिवर्तन करेगा हम उसके साथ चलेंगे, उसी को वोट देंगे और जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे। अभी के लिए नमस्कार।